इतना गुरूर ना कर शोहरत का मेरे दोस्त, आज तेरी मुट्ठी में कल किसी और के मुट्ठी में होगा। बिग बॉस 13 के घर में शामिल होने से पहले ही शहनाज गिल और वाइल्ड कार्ड एंट्री हिमांशी खुराना के बीच हुआ एक बहुत ही बड़ा बवाल, और इस बवाल का असर बिग बॉस के घर के अंदर भी होने लगा है। आप जो बोलते हैं पंजाब की वो आई, आपका पुराना लपड़ा है क्या है मालूम नहीं। वो ये चाहती थी कि जो बाहर का है वो भारी रहने दो, उसको तो बोलना ही नहीं था ये सब, तूने रो धो के सबको बता दिया, तो उसके ऊपर उंगली बता के मतलब नहीं। उंगली तब बताओ कि जब तुम सही हो। घर के कुछ लोग शहनाज के फेवर में है तो कुछ लोग शहनाज के अगेंस्ट है, और उन्हीं लोगों में से सबसे पहला नाम आता है हिंदुस्तानी भाऊ का, जिनकी शहनाज से जरा भी नहीं बनती थी, और भाऊ ने घर वालों के सामने किया शहनाज को बेइज्जत। सना ने इल्जाम लगाया सिद्धार्थ पे, मैं नया नया आया था, ये नर्वस होके रोते वहाँ बैठी थी, ये जाके समझाया, बच्चा बोलता था अपने छोटे बहन के जैसा तेरे को ये करता था, तो ना कोई अपने लिए करता है ना तो एहसान फरामोश नहीं बनने का, वो गलत नहीं ना ये गलत है, सना कोई गलत नहीं, इधर इतना मत करो कि कल बाहर मिलने के बाद ना एक दूसरे से चेहरा मिलना लेको शर्मिंदा होना पड़े। टाइम हर किसी का आता है, आज जो नाम अखबारों की सुर्खियों में है ना कल वही नाम कचरे के डिब्बे में होगा। आपको क्या लगता है हिमांशी और शहनाज में से कौन सही है और कौन सिंपैथी गेन करने की कोशिश में लगा हुआ है?